देखो गाइस, आप में से कई सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि आर के गुरु जैसा वीडियो बना करके बताओ, तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि आर के गुरु जैसी एआई वीडियो कैसे बनाते हैं। ओके, तो देखो गाइस, आप सभी की डिमांड की वजह से मैंने आर के गुरु के चैनल पर विजिट किया और उनकी वीडियोज़ को देख कर मैं भी शॉक रह गया। इनकी हर एक वीडियो मिलियंस में व्यूज़ गेन कर रही है और इसका कारण है हिंदू मैथोलॉजी वीडियोस। इस चैनल पर हिंदू मैथोलॉजी वीडियोस अपलोड हो रही है, यानी हिंदू पौराणिक कथाएं। और आप सभी को पता है कि इस तरह की पौराणिक कथाएं हर कोई देखना पसंद करता है, बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक। और इनकी वीडियोस पूरी की पूरी एआई के जरिए जनरेट की गई हैं। देखो, पौराणिक कथाएँ तो लोगों को पसंद आती ही है, साथ ही इन्होंने क्या किया है कि एआई एनिमेटेड वीडियो के थ्रू पौराणिक कथाएँ प्रस्तुत की है, जिससे ऑडियंस इनकी वीडियोस पर हुक हो जाती है और यही कारण है इनकी वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज़ आने का, जिससे ये यूट्यूब से लाखों का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो चलो दोस्तों, जानते हैं आखिर इस तरह की वीडियोस बनाते कैसे हैं। देखो, इस चैनल पर विक्रमादित्य और गोगाजी वाली वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर डेमो के लिए किसी एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ओके, तो चलो हम बनाएंगे गोगाजी महाराज के ऊपर। इसके लिए हम जाएंगे ChatGPT पर। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी एआई वेबसाइट का यूज़ करूँगा उन पर मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो मैं डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करके अपना काम स्टार्ट करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एआई वेबसाइट का यूज़ कर रहे हो तो अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट बना लेना। अगर अकाउंट बनाते समय कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी इन वीडियोज़ को चेक कर लेना। ओके, तो देखो, ChatGPT को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम गोगाजी महाराज के ऊपर एक स्क्रिप्ट निकालने का कमांड देंगे। जैसे मैं टाइप करता हूँ, मैं YouTube चैनल के लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे गोगाजी महाराज की 5 रोचक कथा या स्टोरी लिख कर दो जो एक एक मिनट की हो और 5 स्टोरी में सस्पेंस होना चाहिए ताकि लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। अब इस कमांड को हम ChatGPT को सेंड कर देंगे। देन विद इन कुछ सेकेंड्स के अंदर अंदर ChatGPT हमें गोगाजी महाराज के बारे में 5 स्टोरी लिख करके दे देगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी स्टोरी आपको पसंद नहीं आए तो आप रीजनरेट का कमांड दे देना, लाइक गोगाजी महाराज के बारे में दूसरी 5 स्टोरी लिख कर दो जिसमें सस्पेंस हो ताकि लोग हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी स्टोरी 1 से 2 मिनट के बीच की हो। देखो, अब इस कमांड को हम फिर से ChatGPT को सेंड कर देंगे। देन ChatGPT हमें डिफरेंट टाइप की 5 स्टोरी और लिख करके दे देगा। अब जो भी स्टोरी पसंद आए उसे कॉपी कर लेना। ओके, तो देखो, अब हमारी स्क्रिप्ट तैयार है और अब बारी आती है AI इमेजेस जनरेट करना। जो हमारी स्क्रिप्ट में बताया गया है सेम वैसी ही AI इमेजेस जनरेट करेंगे, देन इन AI इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो अब AI इमेजेस जनरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इमेज प्रॉम्प्ट्स की, तो अब हम इमेज प्रॉम्प्ट्स ChatGPT से ही जनरेट करवाएंगे। इसके लिए हमें एक कमांड देनी होगी, प्लीज़ गिव मी इमेज प्रॉम्प्ट्स सीन बाई सीन ऑफ दिस स्टोरी। इसके बाद जिस स्क्रिप्ट के इमेज प्रॉम्प्ट्स चाहिए उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे। देन इस स्क्रिप्ट को हम ChatGPT को सेंड कर देंगे। इसके बाद ChatGPT हमें इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख करके दे देगा। जैसे ChatGPT ने हमें 5 इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख करके दिए हैं। देखो, अगर अब हम इन इमेज प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके AI इमेजेस जनरेट करते हैं तो सिंपल AI इमेजेस जनरेट होगी, बट हमें चाहिए राजस्थानी AI इमेजेस। इसके लिए हम इन 5 प्रॉम्प्ट्स में एक राजस्थानी वर्ड्स ऐड करेंगे, सो ये काम भी हम ChatGPT से ही करवाएंगे। इसके लिए एक कमांड टाइप करेंगे कि इन 5 इमेज प्रॉम्प्ट्स को फिर से जनरेट करो, लेकिन अब की बार इस राजस्थानी वर्ड को इन 5 इमेज प्रॉम्प्ट्स में ऐड करना ताकि मैं राजस्थानी टाइप की इमेजेस जनरेट कर सकूँ। अब इस कमांड को हम ChatGPT को सेंड कर देंगे। इसके बाद ChatGPT हमें 5 नए इमेज प्रॉम्प्ट्स लिख करके दे देगा। देन इन्हीं इमेज प्रॉम्प्ट से हम AI इमेजेस जनरेट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम फर्स्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। देन Leonardo.AI के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इमेज क्रिएशन पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से इमेज रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। देखो, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं तो यहाँ से 16:9 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर लेना। हम यहाँ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए हम 9:16 वाले रेशियो को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम आर के गुरु जैसा शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए हम 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे।
जिसे हमने ChatGPT से जनरेट किया था। देन जनरेट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकेंड्स में Leonardo.ai हमें 4 AI इमेजेस जनरेट करके दे देगा। या इमेजेस जनरेट होती है तब तक हम Bing AI के थ्रू भी AI इमेजेस जनरेट करके देखते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पर अच्छी इमेजेस जनरेट होती है। तो इसके लिए हम Bing AI के अंदर भी फर्स्ट प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। इससे पहले हमें कमांड टाइप करनी होगी कि प्लीज़ क्रिएट AI इमेजेस। देन हमारे फर्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट करके Bing AI को सेंड कर देंगे। या इमेजेस जनरेट होती है तब तक Leonardo AI के अंदर जाएंगे और यहाँ देखेंगे Leonardo ने राजस्थानी टाइप की 4 अच्छी सी इमेजेस जनरेट कर दी है। अब जो भी इमेजेस अच्छी लगे उन्हें डाउनलोड कर लेना। ओके, इमेज डाउनलोड करने के लिए हम इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। अब हम Bing AI के अंदर जाएंगे। Bing AI ने भी 4 इमेजेस जनरेट किए लेकिन Leonardo से इतनी भी अच्छी नहीं। बट हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी इमेजेस हो उन्हें डाउनलोड कर लेंगे। Bing AI से इमेजेस डाउनलोड करने के लिए इमेज पर क्लिक करेंगे। देन या 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। हमारी इमेजेस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम सेकेंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और Leonardo AI में जाएंगे। यहाँ पर सेकेंड प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। देन जनरेट पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकेंड्स में हमारी इमेजेस जनरेट हो जाएगी। सेम इसी प्रोसेस से हम सभी प्रॉम्प्ट से AI इमेजेस जनरेट कर लेंगे। देन डाउनलोड भी कर ही लेंगे। ओके दोस्तों, अब बारी आती इमेज को एनिमेट कराना, यानी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम जाएंगे वीडियो स्टूडियो पर और या 3 डॉट पर क्लिक करके क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इमेज टू वीडियो, सेकंड रेफरेंस टू वीडियो, थर्ड टेक्स्ट टू वीडियो। तो अब हम फर्स्ट ऑप्शन इमेज टू वीडियो पर क्लिक करके इमेज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। देन हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे जिसे हम एनिमेट करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ किसी भी एक इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारी इमेज अपलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। 4 से 5 सेकेंड्स में इमेज अपलोड हो जाएगी। अब हमें बॉटम में क्रिएट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल से हम क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर 15 to 20 सेकेंड्स में हमारी इमेज वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इस वीडियो को डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब हम डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज को डिलीट कर देंगे। देन अनदर इमेज को ऐड करेंगे। इमेज अपलोड हो रही है। अपलोड हो जाने के बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। कुछ ही सेकेंड्स में हमारी दूसरी वीडियो तैयार हो जाएगी और अब इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। ओके, तो देखो गाइस, सेम इसी प्रोसेस से हम सारी AI इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हमारे पास स्क्रिप्ट तैयार है और AI एनिमेटेड वीडियो तैयार है। अब बारी आती है स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट करना। इसके लिए हम सबसे पहले स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे। देन 11labs AI को ओपन करेंगे और यहाँ पर उस स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे जिसे हमने अभी कॉपी किया था, यानी ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके हम वॉइस कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर एडम को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद सेटिंग पर क्लिक करके टॉप में आ जाएंगे या V2 पर क्लिक करके V2.5 को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद बैक आ जाएंगे। अब हम सिंपल से जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देंगे। देन हमारी वॉइस जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अब हमारी वॉइस जनरेट हो चुकी है। एक बार इसे प्ले करके सुन लेंगे। गोगा जी महाराज के शत्रु एक बार उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए गांव में घुस आए। उन्होंने खुद को गांव वासियों में मिलाने की कोशिश की लेकिन गोगा जी ने पहले ही उनकी चाल को भांप लिया था। ओके गाइस, अब इसे डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक कर देंगे और हमारी वॉइस डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो अब हमारा ऑडियो भी तैयार है और AI एनिमेटेड वीडियो भी। अब बारी आती है वीडियो एडिटिंग की। तो देखो गाइस, वीडियो एडिटिंग आप किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। मैं इंसॉर्ट एडिटिंग ऐप का यूज करूंगा। इसके लिए हम इंसॉर्ट को ओपन करेंगे, वीडियो पर क्लिक करके न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। देन हम यहाँ से उन वीडियोस को ऐड करेंगे जिसे हमने इमेज टू वीडियो बनाया था। तो मैं यहाँ से उन वीडियोस को ऐड कर लेता हूँ। ओके,
वीडियो एडिट करने के बाद अब हम कैनवास पर क्लिक करके 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। देखो गाइज, हमने जो वीडियो स्टूडियो का यूज़ करके AI इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट किया था, तब उन सभी वीडियोस में वीडियो का वॉटरमार्क आ गया था। तो अब हम इन वीडियोस से उस वॉटरमार्क को रिमूव करेंगे। इसके लिए हम वीडियो पर क्लिक करके क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से 1:1 वाले रेशियो को सिलेक्ट करके वीडियो को इतना सा क्रॉप करेंगे जितना हमारी वीडियो में वीडियो का लोगो है, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, सेम इसी प्रोसेस को हम उन सारी वीडियोस के अंदर अप्लाई करेंगे जिस के अंदर लोगो आया हुआ है। तो मैं जल्दी से इस प्रोसेस को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, अब बारी आती है ऑडियो ऐड करने की। तो इसके लिए हम म्यूजिक पर क्लिक करके उस ऑडियो को ऐड कर देंगे जिसे हमने 11 लैब से जनरेट किया था। ओके, ऑडियो ऐड करने के बाद अब हम वॉल्यूम पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को फुल कर देंगे, देन ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से म्यूजिक पर क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देंगे। देखो, बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब पर जाना और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड म्यूजिक लिखकर सर्च करना, या आपको बहुत से बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। ओके, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद वॉल्यूम पर क्लिक करके इसकी वॉल्यूम को हम 15-20% के आसपास रख लेंगे। इतना करने के बाद अब अगर हमें वीडियो की ड्यूरेशन बढ़ानी हो तो इसके लिए हम वीडियो पर क्लिक करके स्पीड पर क्लिक करेंगे और इस एरो को यानी इस सर्कल को लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले लेंगे जिससे हमारी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। इसके बाद वीडियो को प्ले करके ऑडियो सुन लेना और ऑडियो के हिसाब से वीडियो को सेट कर लेना। देखो, ऐसा मत करना कि आपका ऑडियो कुछ और कह रहा है और वीडियो कुछ और चल रहा है। तो अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग वीडियो की लेंथ को रखना है और बाकी के अननेसेसरी पार्ट को वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट पर क्लिक कर रिमूव कर देना। सेम इस प्रोसेस को हम ऑडियो के अकॉर्डिंग सभी एनिमेटेड वीडियोज में अप्लाई कर देंगे। ओके, इतना करने के बाद अब जहाँ हमारा ऑडियो खत्म हो रहा है वहाँ से बाकी के पार्ट को रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ बैकग्राउंड ऑडियो एक्स्ट्रा है तो इसे स्प्लिट वाले बटन पर क्लिक करके रिमूव कर देंगे और या वीडियो पर क्लिक करके स्प्लिट पर क्लिक करेंगे इस एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हम इमेज सर्च ऐप को ओपन करेंगे और गोल्डन बैकग्राउंड इमेजेस लिखकर सर्च करेंगे। जो भी इमेज पसंद आए उस पर क्लिक करेंगे और इस डाउनलोड वाले एरो पर क्लिक करके इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, अब फिर से इंसर्ट ऐप को ओपन करेंगे और या वीडियो पर क्लिक करके न्यू पर क्लिक कर देंगे। फोटो पर क्लिक करके बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इस फोटो को रोटेट कर देंगे, देन कैनवास पर क्लिक करके 9:16 वाले रेशो को सिलेक्ट कर देंगे। अब हम बैकग्राउंड फोटो पर क्लिक करके इस फोटो को दोनों फिंगर की मदद से फुल स्क्रीन लगा देंगे, देन इस फोटो की लेंथ को हम बढ़ा देंगे यानी इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, 1 मिनट के आसपास रखेंगे। अब हम हमारा वो वीडियो ऐड करेंगे जो हमने थोड़े समय पहले इंसर्ट से एक्सपोर्ट किया था। इसके लिए हम पिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को ऐड कर देंगे। अब हम इस वीडियो को जूम कर देंगे। इतना करने के बाद अब मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँगा। अगर आपको यही बैकग्राउंड रखना है तो कुछ मत करना, अगर चेंज करना है तो इसे डिलीट कर देना। अब बैकग्राउंड पर क्लिक करके वाइट कलर को मैं सिलेक्ट करूंगा, ओके पर क्लिक कर दूंगा। इतना करने के बाद आप फिर से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे और पिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को ऐड कर देंगे, देन वीडियो को जूम कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम स्पीड पर क्लिक करके इसकी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ओके, अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करके वीडियो के ऊपर टाइटल ऐड करेंगे। तो अब मैं यहाँ टाइप करूँगा, जब गोगाजी के शत्रु गांव में घुस आए। अब ओके पर क्लिक करेंगे और इस टाइटल को वीडियो के टॉप में लगा देंगे। टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए एडिट पर क्लिक करके कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर लेना और इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेना। अब मैं यहाँ एक और वर्ड ऐड करूँगा, क्या हुआ जब गोगाजी के शत्रु गाँव में घुस आए।
अब हम टेक्स्ट के एंडिंग वाले एरो पर क्लिक करके वीडियो एंड पर क्लिक कर देंगे, जिससे टेक्स्ट की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। अब हम एंड में आएंगे और जहां हमारा वीडियो खत्म हो रहा है वहां से बाकी के पार्ट को स्प्लिट पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करेंगे और कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके लेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। मैं यहाँ येलो कलर सेलेक्ट करूँगा, देन ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करके और टेक्स्ट लेयर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, मैंने एक टेक्स्ट लेयर और ऐड कर दी है जिसमें लिखा है वीर गोगाजी महाराज की कथा, और इस टेक्स्ट लेयर का भी ड्यूरेशन वीडियो के एंड तक कर दूंगा। ओके, अब हमारा वीडियो तैयार है और इसे सेव वाले बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे, देन रिजल्ट आपके सामने। गोगाजी महाराज के शत्रु एक बार उनकी शक्ति को कमजोर करने के लिए गांव में घुस आए। उन्होंने खुद को गांव वासियों में मिलाने की कोशिश की, लेकिन गोगाजी ने पहले ही उनकी चाल को भांप लिया था। एक रात गोगाजी ने गांव वालों को चेतावनी दी, यहां कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो तुम्हारे जैसे दिखते हैं पर तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। सभी हैरान थे क्योंकि किसी को उन शत्रुओं के बारे में कोई खबर नहीं थी। अगली सुबह गोगाजी महाराज ने खुद उन शत्रुओं को गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने उन्हें कैसे पहचाना। गांव वाले आज भी सोचते हैं कि महाराज को वह जानकारी कैसे मिली।